जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मीडिया क्राइम, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च गगनयान मिशन टुडे, गगनयान से भड़का पाकिस्तान। तो खुद को कुछ करना नहीं है, वो तो दूसरा करे तो उस पर भड़कना है, बस यही रह गया है पाकिस्तान का काम। और ये जो गगनयान की बात है दोस्तों, जब मंगलयान लॉन्च हुआ था, हमारा जो मून पार्ट 3 जो लॉन्च होता, उसी समय इसके न्यूज आ गए थे और उसी वीडियो में हमने कवर अप किया था कि इसरो जल्द ही गगनयान की जो टेस्टिंग है वो करने वाला है, और उसके पहले सूर्ययान की, मतलब तो सूर्ययान की तो हो चुका है सक्सेसफुली लॉन्चिंग, उसके बाद गगनयान का टेस्टिंग किया गया है और वो टेस्टिंग दोस्तों सक्सेसफुल हुआ है, 100% सक्सेसफुल हुआ है। लास्ट में हम गगनयान के बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले, चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। ये तस्वीरें सीधे तस्वीरें लॉन्च हो गया, ये गगनयान मिशन एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई एरर्स आए और इस बार लॉन्च कर दिया गया है और एक एक तस्वीरें सीधे श्री हरिकोटा से लाइव। इतिहास रचता हुआ भारत, इतिहास रचता हुआ इसरो। गगनयान जिसका टेस्ट लॉन्च कामयाब हुआ, क्रू मॉड्यूल बंगाल की खाड़ी के अंदर श्रीहरिकोटा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इसे रिकवर किया गया। बिल्कुल, और ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए देखिए बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त चीफ एस सोमनाथ को, जो सुबह थोड़े निराश जरूर नजर आए थे, क्योंकि वो चांद पे गया जो इंडिया, वो जाने वो तो खबर पुरानी हो गई। हाँ, वो उस दिन आप यहाँ गा रही थी, मैं सुन रहा था। वो चांद पे चला गया, आप वो बंदों को स्पेस भेज रहे हैं। कौन? इंडिया। वो कुछ नहीं कर सकता, कर रहे हैं वो बातें ही कर सकता है। स्पेस मिशन गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल का परीक्षण किया जाएगा, ये मिशन बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, जिसमें क्रू मॉड्यूल में 17 किलोमीटर तक के क्रू मॉड्यूल जाएगा और फिर वापस धरती पर लॉन्च कराएगा। बाद में इसी मॉड्यूल में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया जाएगा। तारीफ जो होती है सोलह रब की होती है, इसके अलावा हम मुसलमान हैं, वो कहाँ भी चले जाएं उसका हमें कोई सरोकार नहीं। आप हमारे मुल्क के बारे में बात करें, हम वो बात करते हैं। इंडिया की कामयाबी पे बात करने में कबाहत क्या है? कबाहत ये है कि इंडिया एक लहदा मुल्क, काफर मुल्क है, हमारा उनसे कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता, किसी बात पे नहीं हो सकता, क्योंकि वे हिंदू हिंदुवाद वाके बात करते हैं। हम भी उतने ही काबिल हैं जितने के किसी दूसरी कंट्रीज है, ठीक है। दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे भेजा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं, ये हमारी औकात है। इसकी तारीफ है हम करेंगे कि उन्होंने टेक्नोलॉजी अपने वाम के लिए की है, मोदी ने तो किसी पे अपनी जात के लिए नहीं की। वाम बात शाउर हो गई है, इन हुक्मरानों ने अवाम को अकल दे दी है, जिन्होंने कर दिया ना इस मुल्क के साथ। अवाम को पता है सच्चा कौन है झूठा कौन नहीं, है अभी भी हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े अलग किस्म के जाहिल लोग हैं। जो पाकिस्तान है, पहली बात तो जो पाकिस्तान है वो हमारे जो अमेरिका है और यूएसए है, उसके अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है, इंडियंस नहीं है वो लोग, पाकिस्तान इसको प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी फ्रॉड करते हैं उनके वहाँ जाके, उनके साथ वहाँ जाते हैं, काम कम करते हैं, पैसे ज़्यादा मांगते हैं, फिर पैसे लेके भाग जाते हैं पाकिस्तानी, तो वो लोग प्रेफर करते हैं इंडियंस को और बंगालियों को। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि खवातीन अपने बच्चों को दो वक्त रोटी खिलाने के लिए जिस्म बेचने पे मजबूर हो गई हैं। जी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? और इसका अगर बजट बता दूं तो 1.1 बिलियन जो है इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। हमारी यहाँ पावर्टी इतनी ज्यादा है, गरीबों के लिए खाने के लिए कोई सही राशन वगैरह नहीं है, तो हम अगर ये दूसरी चीज़ों में लग गए फिर तो हमारी कौम का बिल्कुल ही एंड हो जाएगा। ये कौन सी जंग लड़नी है हमने उनके साथ? ये मईशत की जंग में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिहाज से वो आगे हैं। दोस्तों, चंद्रयान और आदित्य एलवान के बाद इसरो गगनयान मिशन में रिकॉर्ड रचने के लिए फिर से तैयार है, क्योंकि आज इसरो गगनयान मिशन में क्रू एस्केप सिस्टम और क्रू मॉड्यूल का टेस्ट करने वाला है और इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा है। पाकिस्तान में कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट ये है कि हम अगर मुसलमान होकर ये सारे काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हिंदू का फिर कैसे ये काम कर पा रहे हैं, और ये भारत के लोग झूठ बोल रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में गगनयान मिशन में को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप देख लीजिए। और दोस्तों, फिर मैं आखिर में आप सबके साथ मिलता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, 3000 लाइक का उम्मीद रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब कर दोगे। कुछ दिखाएंगे हम इंडिया से ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, हमारा तो करो ना, क्यों नहीं कर रहे? इंसानों का जो लेवल है ना वो इंडिया से ज्यादा है। हाँ। इंडिया कुछ नहीं पता, हमें पता है सारा। नहीं, उसको भाई वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे बहुत आगे हैं वो, हम उनसे पीछे रह गए। हम बातें कर सकते हैं, हम यही है, हर आदमी तो परेशान है। क्या कहोगे मिशन के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में? स्पेस मिशन बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे डिस्कवर नहीं कुछ चीज कर सकते, हमने स्पेस में क्या करना है? वो जो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ना, हम अभी तक उस पे ही अड़े हुए हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है। वो तो हमने
दिया। कह रहा ना वही उस पे है, आगे हम सोच नहीं रहे। कह रहे भी इंडिया कर लेगा, वो कर सकता है, वो पढ़ा लिखा है, वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम में क्या कमी रह गई? हमें हमारे मुल्क में गुर्बत ही बहुत है, हम क्या कर सकते हैं? सितारे कैसे बनते हैं? रब की कुदरत है, रब की अल्लाह पाक बनाता है इंसान एक्सप्लोर करने। मुसलमानों को ना जीना हराम किया वहाँ पे, क्यों उसकी हम बात क्यों करें? हम उसकी, हम हमारे मुल्क के बारे में पूछे, इसके हालात क्या हैं, ये क्यों नहीं जा सके? हाँ मैं ये बताता हूँ आपसे, वो भी पूछूंगी कि हम क्यों नहीं जा सके। पहले मुझे आप ये बताएं, आपने कहा वो काफिर है, काफिर तरक्की कर गया है, ठीक है, हम मुसलमान होके तरक्की नहीं कर पाए? हाँ मैं ये बताता हूँ, ये उसकी वजह है, उसका ये निजाम अदल है ना, निजाम अदल उसका वो एक नंबर है उसका। हमारा निजाम अदल कहाँ पे खड़ा है? इमाम गजाली का कौल है, कौमें जबर बर्दाश्त कर सकती हैं, अनसाफ जिस कौम में ना वो कौमें तबाह हो जाती हैं। अब ये हमारे मुल्क का इंसाफ चेक कर लें ना आप, पूरे पाकिस्तान का जगह सुप्रीम कोर्ट दे लें, हाई कोर्ट दे लें, कोई भी बंदा सिर्फ गाड़ी वन मैन शो हो रहे सभी के, हज़ारों दरख्वास्तें ऐसी पड़ी हैं जो गरीब आदमी साइलों से जा रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। हम ये चेक करना चाहेंगे कि इंडिया अब टेक्नोलॉजी के लिहाज से कितना आगे निकल चुका है। 10 साल में वो देखें, उधर हर मोबाइल की कंपनियों की फैक्ट्रियाँ लगी है, एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, उसकी फैक्ट्री वहाँ पे लग गई, वहाँ पे फ़ोन असेंबल्ड हो रहा है, और यहाँ पे हम बिजली को रो रहे हैं, आटा को रो रहे हैं 75-76 साल बाद, और हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ा के चांद पे भजा दिया और हम खुद गटर में गिर गए हैं। ये हमारी औकात है, ये हम पाकिस्तानी औकात है। वो मोदी का बयान में सुन रहा था, वो हंस रहा था, कहते ये क्या जंग वगैरह में कुछ नहीं पड़ा, कहता मईशत की जंग जीते गनियान का, जिसमें वो वुमेन्स को जो है स्पेस के अंदर स्टे करवाएंगे और 3 दिन स्टे करवाएंगे, उसके बाद जो है वापस उनके जो है लैंडिंग इंडियन ओशन में करवाएंगे। एक के बाद एक बड़ी बड़ी खबर इसरो की तरफ से आ रही है, क्या कहेंगे इस पे? कंग्रेचुलेशन पहले तो उनको, और वो वाकई काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको मजीद ऐसा काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं काम करें तो हम उनके लिए कहेंगे यार अल्लाह वो भी ना करें। क्यों ना करें? बोला अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको चाहिए कि मजीद आगे काम करें। इसका बेसिकली वो नाम रोशन कर रहे हैं आईटी का, तो नो मैटर वर्ल्ड के मुस्लिम हैं कि नहीं है, इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, आईटी का नाम रोशन कर रहे हैं अगर, तो दे शुड ग्रो अप। जी उनकी हालात ऐसे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी वैसी है कि वो लोग ये चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंडली वो अपनी जो यूथ है उसको इस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, और उनकी जो स्पेस वगैरह की कंपनीज़ हैं वो काफ़ी एक्सेल कर रही हैं। मुझे लगता है उनको फंडिंग थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, हमारे से ज़्यादा होती है, और दूसरी कंट्रीज से होती है जिनसे हमारी इतनी नहीं है, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन उनको USA इसराइल ये ज़्यादातर करता है फंड। तो पहले हमें जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि कौम को फराम होनी चाहिए, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स एंड नेसेसिटीज़ हैं, उनको पहले गवर्नमेंट पूरा करेगी, फिर ये दूसरी चीज़ों की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। इंडिया जो है उसकी जितनी कंपनीज़ हैं, महिंद्रा होगी, रेंज रोवर होगी, टाटा होगी, वो रॉ मटेरियल से अपना काम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, और वो फिर एंड प्रोडक्ट तक खुद अपना बनाते हैं चीज़। अब तो वो चाइना को भी पीछे हटा रहे हैं, जो चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं वो भी लोकल इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, जितनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ उनके प्लांट्स अपने हैं वहाँ, वो ज़ीरो से स्टार्ट करके एंड प्रोडक्ट तक जाते हैं। इंडिया वालों ने अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है, और उनके जो लोग बाहर गए हैं एजुकेशन लेके वो मुल्क वापस आए हैं, उनको अपने मुल्क को एजुकेट किया है। तो अगर एंटरप्रेन्योर देखते हैं आप इंडिया के, तो काफ़ी ज़्यादा हैं हम अमेरिका के अंदर भी, लेकिन वो अपने मुल्क से मुखलिस हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने चीपेस्ट जो मिशन है, सिर्फ मेरे ख्याल में 6 बिलियन जो रुपीज़ हैं उसके अंदर उन्होंने ये मिशन बनाया है। तो कुछ लोग इसको इस चीज़ को ये कहते हैं कि एक गरीब मुल्क है तो वो इस चीज़ पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया ना, इतना उनके पास डॉलर पड़ा हुआ है। पर कैपिटा की अगर बात करें तो वो अभी पाकिस्तान से फिर भी ज्यादा ही है। जी पाकिस्तान से ज्यादा है, बिल्कुल। देखिए अगर गगनयान सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और दोस्तों जो गगनयान है उसका जो टेस्टिंग था वो सक्सेसफुल हो चुका है, उसके लिए पाए मेरे प्यारे भारतीय उसमें हम भी है, सबको कांग्रेचुलेशन, और हम और इंडिया हाँ इसरो की टीम और साइंटिस्ट और सबको हमारी ओर से कांग्रेचुलेशन, और भारत माता की जय। और दोस्तों कमेंट में जय श्री राम और भारत माता की जय लिखना मत भूलना हमारे वैज्ञानिक के लिए। ये हम आपको रिश्वत नहीं दे रहे, फरजात बोल ही रहे कि यहाँ तक वीडियो देखा है तो भारत माता की जय इस वीडियो के लिए तो दोस्तों बनता है, क्योंकि अब जो है मून हो गया, मंगल के ऊपर भी और चंद्र के ऊपर भी, दोनों जगह पे मतलब अब हम है इंसान को भेज पाएंगे। क्योंकि अब क्या है कि पहले तो मेरे को लग रहा है चंद्र पे वो भेजा जाएगा, जो बात हुई थी उस हिसाब से,
क्योंकि अभी का जो मून मिशन है उसमें ये है कि वहां पे लैंडिंग भी करवाना है और उसमें वहां पे रुकने के बाद फिर हाँ धरती पे भी आना है और यहाँ पे भी लैंडिंग करवाना है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। मिलते और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।